करो ना भाई साहब आप इसको बोलते हैं डेथ रेस। अगर आपको डेथ रेस करनी है ना, ऐसे डेथ रेस करते हैं, मतलब डेथ रेस का मतलब ऐसा होता है, अगर आपको अपनी जान प्यारी नहीं है तो इंसान ऐसी चीज़ें करता रहता है। देखो अभी अच्छा खासा धूप निकला है और धूप के साथ हम भी निकले हैं क्योंकि आज हमने अपनी बाइक को चमका दिया था। तो जब से मैंने अपनी बाइक को लाया है तब से मैंने कभी इसमें पॉलिश वॉलिश कुछ भी नहीं किया था, तो मुझे लगता है बाइक लाने के बाद आज मैंने पहली बार अपनी बाइक को इतना चमकाया, अच्छे से साफ़ किया, इसका चेन लूप किया, क्योंकि इसमें इसका जो चेन सेट था ना इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था, इतना ज़्यादा वो चिपका चिपका वो चिपकीला लग रहा था और हमें अच्छा भी नहीं लगता है। वैसे आज थोड़ा बहुत ऐसा जो हमारा बाइक है ना वो शाइन मार रहा है, क्या बात है। चलो अच्छी बात है, ऐसे अपनी चीज़ों को अच्छे से रखा करो, केयर किया करो। अभी हम किधर निकले वो तो मुझे पता होगा, आप लोगों को अभी नहीं पता होगा। तो अभी एक्चुअली में थोड़ा बहुत हमें काम पड़ा, हमने सोचा, हाँ जी हर किसी वीडियो की तरह, मेरा मतलब हर किसी दिन की तरह हमने और भी आज भी सोचा कि एक वीडियो बना के आएंगे जल्दी से, एक छोटी सी वीडियो, क्योंकि आज मैं कहीं पर राइड के लिए नहीं गया और ना ही मैंने किसी बंदे को कॉल किया है। और एक चीज़ है ना, जब मैं मतलब बातें करता रहता हूँ ना आप लोगों से, ऐसे बाइक चलाते समय मोटो व्लॉग करता हूँ, इससे क्या होता है जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती है ना, मतलब नेगेटिव माइंड्स, नेगेटिव थाट्स जो होते हैं उनसे बंदा दूर रहता है, ये चीज़ मैंने देखा है। तो इसीलिए कुछ ना कुछ किया करो, अपने टाइम को वेस्ट मत किया करो। बस मेरी वीडियो यही रहती है कि अपने टाइम को कभी भी ज़ाया मत किया करो, अगर आप टाइम को ज़ाया करोगे तो आगे जाके आप कुछ नहीं कर पाओगे। और मुझे क्या लग रहा है, आज मैंने अपनी बाइक को चमका दिया, आगे जाके कोई सुजुकी सईज कुछ ऐसा ही नाम है, तो इसने भी अपनी गाड़ी को चमका दिया है, क्या बात है। जब हम कुछ करते हैं तो लोग भी वही करते हैं, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जो ये वाला स्पीड ब्रेकर है ना काफ़ी ज़्यादा गंदा लगता है मुझे, क्योंकि नीचे से बाइक टच होती है यहाँ पर, तो आना नहीं चाहता हूँ यहाँ से, बट क्या करूँ, रास्ता ही यही है, यहाँ से थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है इसलिए मैं यहाँ से आता हूँ। यहाँ पर जो रास्ता है ना थोड़ा बहुत पतला है, क्योंकि खुदा ना करे अगर ज़्यादा कोई गाड़ी यहाँ से जाएगी ना उसका एक टायर नीचे भी फिसल सकता है, तो थोड़ा बहुत पतला रास्ता है, इसीलिए पहले एक गाड़ी को रुकना पड़ता है, चाहे बाइक भी वहाँ से आती होगी ना उसको भी रुकना पड़ता है। देखो यहाँ पर इन्होंने ये ब्रेकर्स नहीं, पता नहीं इनको क्या बैरिकेड्स बोलते हैं, हाँ जी बैरिकेड्स रखे हैं, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि जब यहाँ से जाता था ना बंदा तो गाड़ियाँ सारी वहीं से जाती थी, कभी कभार किसी को विजिबल भी नहीं होता था, तो कभी कभार हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है ना वो अच्छा काम करती है, लोगों का सोचती है कभी कभार। ओ भाई साहब देखो साइकिल वाला कहाँ से चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा रूट है ना वहाँ से वहाँ का रूट आ रहा है, और देखो साइकिल वाला यहाँ से चल रहा है रॉन्ग साइड से। ओ भाई साहब कमाल करते हो, अगर यहाँ से कोई फास्ट लेन में आएगा ना, जैसे ये वाला रास्ता वहाँ का फास्ट लेन है, अभी मैं यहाँ से चल रहा हूँ ये फास्ट लेन है, खुदा ना करे कोई खतरनाक इंसिडेंट हो सकता है वहाँ पर, तो ऐसा बिल्कुल भी किया मत करो। इसको बोलते हैं डेथ रेस, अगर आपको डेथ रेस करनी है ना ऐसे डेथ रेस करते हैं, मतलब डेथ रेस का मतलब ऐसा होता है, अगर आपको अपनी जान प्यारी नहीं है तो इंसान ऐसी चीज़ें करता रहता है, बट मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा ऐसी चीज़ें करना, क्योंकि थोड़ा बहुत ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत करूँ भी हो जाएगा फ्लाईओवर को, तो अगर कोई गाड़ी वाला खुदा ना करे तेज़ आ रहा होगा और यहाँ से खुदा इनको हिफाजत करे, थोड़ा बहुत सेंस भी दे ऐसे बंदों को, पहले अपनी जान होती है फिर बाकी सब कुछ होता है, फिर शो अप भी होता है। और यहाँ पर क्या हो गया, सारी गाड़ियाँ तो रुकी हुई हैं, पता नहीं, अच्छा आगे एक गाड़ी रुक गई उसकी वजह से सारी गाड़ी वाले रुके, और यहाँ पर चल रहा है ट्रैफिक वालों की चेकिंग, वो हमें भी देख रहे थे, मैंने हाथ से दिखाया ना चेकिंग चल रही है, ट्रैफिक वाले हमें देख रहे हैं ये क्या दिखा रहा है ये बंदा, चलो इसलिए वहाँ पर गाड़ियाँ पीछे रुक गई थी, कोई बात नहीं, यहाँ पर चेकिंग ये आम बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो जी भाई साहब देखो आज हम किस वाले रास्ते से निकले, तो इस वाले रास्ते से हम, मतलब कुछ लोगों ने पहचाना होगा कब हम यहाँ से आते थे, तो एक्चुअली मैं, ये हमारे कॉलेज का रास्ता है जहाँ से हम कॉलेज जाते थे, आज काफ़ी समय के बाद मैं आज यहाँ से आया, थोड़ा बहुत काम था यहाँ से तो सोचा चलो जी यहीं से जाते हैं। अरे 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 कहाँ से आ रहे हो भाई, कहाँ से आ रहे हो। देखो एक कंस्ट्रक्शन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है जो कि करानगर में चल रहा था जब मैं कॉलेज आता रहता था, तो अब भी ये कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ, कई जगहों पे तो ये कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा फास्टली ख़त्म करते थे, बट कई जगह पे महीने सालों साल चलता है वो काम। तो देखो हम पहुँच चुके हैं ईदगाह कुछ इस वाली जगह पे, तो ये है ईदगाह ग्राउंड जो कि सबसे बड़ा माना जाता है ईदगाह, जहाँ पर ईद की नमाज अदा की जाती थी पहले। देखो कितने सारे बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पर, लड़के खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, सबसे बड़ा ग्राउंड यही माना जाता है जहाँ पर लोग खेलते हैं, और मतलब पहले यहाँ पर ईद नमाज अदा की जाती थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा ग्राउंड है ये, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी एडजस्ट हो पाते थे, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लंबा है, मेरे हिसाब से यही 100-200 हेक्टर्स का होगा, कनाल्स का होगा, तो पूरा मुझे नहीं पता। तो जी देखो अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत धूप छुप गया है, बादलों के पीछे छुप गया है धूप,
और देखो, अरे 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 अरे, यहाँ पर थोड़ा बहुत बजरी था। देखो मैं हंसते गाते खेलते खेलते देखो कहाँ से पहुँच गया आज। चलो कोई बात नहीं, कभी कभार थोड़े बहुत रास्ते भी चेंज करने पड़ते हैं। और यहाँ पर आंटी जी हाथ देते हुए गाड़ी वालों को, लेकिन कोई नहीं रुक रहा। देखो आज थोड़ा बहुत यहाँ से भी घूमना पड़ता है कभी कभार। देखो घूम फिर के हम कहाँ पर पहुँचे। वापस आते आते मेरे हाथ थक गए। अभी इन जो मेरे ये है ना, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, रिस्ट्स है ना, रिस्ट्स में पेन हो रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, ये भी होता रहता है। बट आज हमने सोचा थोड़ा बहुत इस वाले रास्ते से जाएंगे, बट वहाँ से कुछ खास मुझे मज़ा नहीं आया, इसीलिए मैं घूम के वापस ही आ गया। चलो कोई बात नहीं, होता रहता है। ठीक है, एम्बुलेंस एम्बुलेंस, चलो सारे साइड में, हम साइड में रुकते हैं। चलो 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 चलो, जब हम साइड में रुकेंगे दूसरा बंदा भी रुकेगा। चलो सही है, कोई पूछेगा, इतना जगह था बट मेरी वजह से गाड़ी वाले को भी जगह मिल गई। चलो कोई बात नहीं, एम्बुलेंस देखा करोगे ना पहले साइड में रुका करो, क्योंकि इसमें कोई सीरियस पेशेंट भी हो सकता है, तो इसलिए एम्बुलेंस को सबसे पहले जगह छोड़ा करो। चलो ना भाई साहब, आप ही को अपने, देखो यहाँ पर चेकिंग कर रही है। अरे अंकल देखो, ये बोल रहे थे जाओ, इसको वहाँ पर चेकिंग कर रही थे, मतलब टू व्हीलर को पकड़ रहे थे, पुलिस वालों ने इसको ऐसे दिखाया, चलो आ जाओ। अब बकरा फंस गया हमारे जाल में, क्योंकि इस बंदे ने हेलमेट भी नहीं पहना था। देखो यहाँ पर लड़की को पकड़ा हुआ है पुलिस वालों ने, क्या बात है। इस तो पुलिस वाले फुल एक्शन में आ चुके हैं, आज नहीं देख रहे मेल है या फीमेल है। देखो V3 में इसने कितना मोटा टायर लगाया हुआ है, पीछे से बाइक लग रहा है। तो मैं भी सोच रहा था इसमें मैं थोड़ा बहुत जो टायर है ना वो मोटा लगा दूँ, और हमारा सिग्नल खुला हुआ है, क्या बात है। चलो चलो चलो, ओ भाई साहब देखो पैदल वाले डर गए, क्योंकि भाई साहब अचानक से कोई आ जाता है ना बीच पे। देखो यहाँ पर इसने इसके साथ भी सेम ऐसा ही हो गया। चलो कुछ लोग, अरे दीदी को तो छोड़ दिया है, इनको पुलिस वालों ने पकड़ा था। तो बाकी मुझे क्या लगता है, बाकी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को क्या करना, आज एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और कर दो इस चैनल को सब्सक्राइब। अगर आप लोग अभी तक यहां तक आ चुके हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो बाकी मिलते हैं आप लोग से और किसी नई सी प्यारी सी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।